हेलो फ्रेंड, दिस इज सरवान खटक एंड यू आर वॉचिंग लर्न इंग्लिश इन उर्दू विद सरवान। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ कुड फॉर एबिलिटी इन पास्ट। फ्रेंड, इससे पिछले लेसन में हमने कैन को एबिलिटी इन प्रेजेंट के लिए पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आज की वीडियो को देखने से पहले या आज के लेसन को पढ़ने से पहले जो इसका पिछला हिस्सा है यानी कि कैन एबिलिटी इन प्रेजेंट, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम पिछले लेसन में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में भी हम थोड़ा सा उसको टच देते चलेंगे, लेकिन पिछली वीडियो में हमने उनको बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज के लेसन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुड एबिलिटी इन पास्ट। अच्छा फ्रेंड्स, कुड जो है इसे बाज सूरतों में, बाज हालतों में कैन की पास्ट फॉर्म के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये कैन की पास्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, तो इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल कैन ही की तरह होता है, सिर्फ टेंस का इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग यूसेज पढ़ रहे हैं इसमें भी कुड जो है वो असल में कैन की पास्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि कैन जो है वो प्रेजेंट में किसी एबिलिटी के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल उसी तरीके से कुड को हम पास्ट में किसी एबिलिटी के इजहार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे आज की जो यूजेज है उसकी। इसे जमाना माजी में, इसे मतलब कुड, इसे जमाना माजी में किसी काबिलियत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यहां पर डेफिनेशन में लव्ज भी क्यों आ रहा है ये मैं आपको वीडियो के एंड में इसके बारे में बताऊंगा कि ये भी यहां पर क्यों इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप इसको इसकी ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो फिर आप जो पिछली वीडियो है कैन, यूज ऑफ कैन हमने पढ़ा है, आप उसको देखिएगा, वहां पर इन चीजों को हमने बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया है। लेकिन मैं आज की वीडियो में बहरहाल आपको बताऊंगा कि ये भी जो है डेफिनेशन में इसका मतलब क्या है। इसे जमाने माजी में किसी काबिलियत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें डेफिनेशन बता रही है कि कुड का इस्तेमाल असल में पास्ट में होता है, माजी में होता है, और कब इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जब हमें किसी की काबिलियत के बारे में बात करनी हो, एबिलिटी इन पास्ट। तो फ्रेंड्स, पास्ट में जब हम किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हो, किसी की काबिलियत की बात कर रहे हो, तो फिर हम लोग कुड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने एक सेंटेंस है, अली तैर सकता था, अली तैर सकता था। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम अली की एक एबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, जब हम कहते हैं कि अली तैर सकता था, इसका मतलब ये हुआ कि तैराकी, स्विमिंग एक एबिलिटी है जो हर शख्स में नहीं होती। तो अली नाम का एक शख्स था, उसमें ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो तैर सकता था। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप दूसरा सेंटेंस देखिए, उमर वो टेस्ट पास कर सकता था। अब वो टेस्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है, उमर उस टेस्ट में अपियर नहीं हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो टेस्ट डिफिकल्ट था, उमर उससे पास नहीं कर सकता था, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं है, उमर वो टेस्ट पास कर सकता था। यानी आपके ख्याल में उमर में ये एबिलिटी थी कि वो उस टेस्ट को पास कर लेता। तो इसी तरीके से आप तीसरे सेंटेंस को देखिए, वो हमें बचा सकता था। हम कहीं पर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, हमारा कोई दोस्त था जिसे हमने नाराज कर दिया था, तो एक शख्स हम में से कह रहा है कि अगर हम उस शख्स को, अपने दोस्त को नाराज ना करते तो क्या होता, वो हमें बचा सकता था। यानी उसमें ये एबिलिटी मौजूद थी, उसमें ये काबिलियत थी कि वो हमें इस मुसीबत से बचा लेता। तो फ्रेंड्स, जब हम पास्ट में किसी एबिलिटी की बात कर रहे होंगे, जैसा कि अली तैर सकता था या उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, वो हमें बचा सकता था, तो एबिलिटी इन पास्ट के लिए हम लोग कुड को बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं उर्दू में तो इसकी, इनकी पहचान क्या होती है? तो आप देखिए, हमारे पास पहचान लिखी हुई है, सकता था, सकती थी, सकते थे। यानी कि इस तरह के अल्फाज अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं तो उसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस पास्ट में किसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात यहां पर आप ध्यान में रखिएगा कि एबिलिटी के लिए ये अल्फाज ही काफी नहीं है। सकता था, सकती थी, सकते थे, ये अल्फाज पास्ट में एबिलिटी के अलावा भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम लोग समझ नहीं पाते कि वो सेंटेंस एबिलिटी का है या किसी और चीज का है, क्योंकि हम सिर्फ इस पहचान को देख रहे होते हैं, लिहाजा हमसे गलती हो जाती है।
सेंटेंस एबिलिटी का नहीं होता, लेकिन आप एबिलिटी का समझ लेते हैं और लिहाजा हम फिर उसका जवाब भी आगे से कन्वर्सेशन के दौरान उसी तरह से देते हैं। लिहाजा ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि आपने सिर्फ इन्हीं अल्फाज पर या इसी पहचान पर इक्तफा नहीं करना है, इसी पर मुतमिन नहीं हो जाना है। आपने खुद से भी गौर करना है कि ये अल्फाज तो सेंटेंस में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये एबिलिटी इन पास्ट का हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि एबिलिटी इन पास्ट ही की बात हो रही हो। आपने सेंटेंस में खुद से भी गौर करना है, क्योंकि बाद सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि वो एबिलिटी इन पास्ट के नहीं होते लेकिन उसमें ये अल्फाज उनमें ये अल्फाज आ रहे होते हैं। वो सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं मैं आपको बाद में आज की वीडियो के आज के लेसन के एंड में थोड़ा सा इस बारे में बताऊंगा कुछ मिसालों के जरिए से। फिलहाल हम देखते हैं मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स हमारे सामने एक सेंटेंस आता है अली तैर सकता था। अब देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारे सामने आया, अब हम इसे पहचानते हैं कि क्या ये एबिलिटी इन पास्ट का है। तो देखिए आप इसके सेंटेंस में के आखिर में देखिए सकता था ये अल्फाज आ गए। तो फ्रेंड्स जब ये अल्फाज आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि सकता था ये पहचान है एबिलिटी इन पास्ट की, लेकिन ये एबिलिटी ही काफी नहीं है, हमें अब गौर करना है कि क्या ये अल्फाज जो इस्तेमाल हुए ये बाकी एबिलिटी ही के लिए इस्तेमाल हुए, क्योंकि एबिलिटी के अलावा भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। अब जब हम कहते हैं कि अली तैर सकता था तो क्या फ्रेंड हम अली की किसी काबिलियत की बात कर रहे हैं? अगर हम उसकी किसी काबिलियत की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे काम की बात कर रहे हैं कि जो हर इंसान में नहीं होती है, तो फिर तो बात एबिलिटी की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम गौर करें कि वो बात एबिलिटी की है या किसी और चीज की हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम कहते हैं कि अली तैर सकता था तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अली की किसी काबिलियत की बात कर रहे हैं। तैरना एक ऐसी काबिलियत, ऐसी एबिलिटी है कि जो हर शख्स में नहीं होती है। तो चूंकि ये एबिलिटी की बात हो रही है लिहाजा हम फार्मूले को फॉलो करते हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फार्मूला फ्रेंड्स हमारा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कुड ही इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रेंड्स जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये असल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है बल्कि ये इन्फिनेटिव विदाउट टू कहलाता है या बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है या इन्फिनेटिव विदाउट टू क्या होता है, मैं चाहता हूं कि आप इन टेक्निकलिटीज के अंदर ना उलझें। आप असल में ये देखिए कि कुड को हम लोग अपने डेली जो कन्वर्सेशन है हम उसमें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेन मकसद आपको टेक्निकल ग्रामेटिकल एक्सपर्ट बनाना नहीं है मेरा, बल्कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है। तो लिहाजा आप टेक्निकलिटीज के अंदर मत पड़िए और जिस तरह से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं आप उस तरीके से समझकर इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स हम इसको बजाय इस तरह लेने के कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव या प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू इस तरह कहने के, हम इसको इस तरह से अपने जहन में बिठाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला इस तरह से है, सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फॉलो करते हैं और इंग्लिश में अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेंटेंस है अली तैर सकता था। सबसे पहले फ्रेंड सब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं अली के बारे में, तो आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में जिस शख्स या चीज के मुतालिक बात हो रही हो वो शख्स या चीज उस सेंटेंस का उस जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। तो जब मैं कहता हूं कि अली तैर सकता था तो इसका मतलब ये हो फ्रेंड्स कि मैं अली के बारे में बात कर रहा हूं, लिहाजा अली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स अली इसका सब्जेक्ट हो गया, लिहाजा हम अली को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं, हम यहां लिख देते हैं अली अली। उसके बाद फार्मूला कह रहा है कि अब आप लगाइए कुड, और कुड जो है फ्रेंड्स ये तमाम सब्जेक्ट के साथ एज इट इज आएगा, यानी कि इसमें कोई इस तरह का की तख्सीस नहीं है कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हमने कुड लगाना है और अगर सेकंड हो तो फलां लगा, ऐसा कोई भी इसमें तख्सीस नहीं है, सबके साथ हमने कुड एज इट इज यहां पर इस्तेमाल करना है। लिहाजा फार्मूले को फॉलो करते हैं और हम यहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं, अली कुड। उसके बाद फ्रेंड नंबर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब किसी भी सेंटेंस में जिस लफ्ज से यह पता चले कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है वो लफ्ज मेन वर्ब कहलाता है। तो फ्रेंड जब हम कहते हैं अली तैर सकता था तो वो कौन सा काम था कि जो अली कर सकता था? तैरने का। अली तैर सकता था तो तैरना वो लफ्ज है फ्रेंड जिससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, लिहाजा तैरना इस सेंटेंस का वर्ब हो गया यानी कि मेन वर्ब। तो हम इसकी इंग्लिश करके यहां लिख देंगे फ्रेंड्स अली कुड स्विम, अली कुड स्विम, हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है फ्रेंड्स स्विम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन आप जानते हैं कि तैरना एक इंट्रोजेटिव वर्ब है
और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं लगता। और अगर आप ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब का डिफरेंस नहीं समझते फ्रेंड, तो मेरी वीडियो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब मौजूद है, आप उसको क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, उसे क्लिक कीजिए और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का फर्क समझिए, ताकि आपको पता चले कि कहां पर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं कहां पर नहीं लगाते। तो फ्रेंड्स ये चुके इंट्रांसिटिव वर्ब इस्तेमाल किया हमने स्वयं, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लिहाजा हमारा सेंटेंस यहीं पर आकर खत्म हो गया। तो सेंटेंस हमारा हो गया अली कुड स्विम। अगले सेंटेंस पर चलते हैं फ्रेंड्स, उमर वो टेस्ट पास कर सकता था। फ्रेंड्स फॉर्मूला कह रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, जब हमें सब्जेक्ट ढूंढना हो तो हमें उसकी डेफिनेशन का आना जरूरी है। तो क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स सब्जेक्ट की? किसी भी सेंटेंस में जिस शख्स या चीज के मुतालिक बात हो रही हो वो शख्स या चीज उस जुमले का, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं यहां पर उमर के मुतालिक, लिहाजा उमर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हम यहां पर फ्रेंड्स उमर लिख देते हैं, उमर उमर। उसके बाद फ्रेंड फार्मूला कह रहा है कि अब आप लगाइए कुड, और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुड जो है वो तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम कुड लगाते हैं फ्रेंड्स, उमर कुड। कुड के बाद फार्मूला कह रहा है कि अब लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो लफ्ज के जिससे हमें ये पता चले कि सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वो लफ्ज वर्ब कहलाता है, यानी मेन वर्ब कहलाता है। तो उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, फ्रेंड्स क्या काम कर सकता था वो? पास करने का। तो चूंकि पास करने का काम कर सकता था, लिहाजा पास करना इसका वर्ब हो गया, तो हम पास की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे फ्रेंड्स, और पास की फर्स्ट फॉर्म होती है उमर कुड पास। पास खुद है इंग्लिश का वर्ड फ्रेंड, और पास ही इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास पास यानी एडी एडी का इजाफा करेंगे तो सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उमर कुड पास, उमर पास कर सकता था। उसके बाद फार्मूला कह रहा है अब आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट किसी भी जुमले में जिस शख्स या चीज पर काम हो रहा हो, वर्ब का एक्शन का असर हो रहा हो, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फ्रेंड देखिए पास करने का काम वो किस चीज पर कर सकता था, वो चीज ऑब्जेक्ट होगी। किस पे कर सकता था? वो टेस्ट, उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, यानी पास करने का काम वो टेस्ट पर कर सकता था। तो वो टेस्ट जो है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ, और हम वो टेस्ट की इंग्लिश करके फ्रेंड ये लिख देंगे, उमर कुड पास नीचे लिख देते हैं हम लोग दैट टेस्ट। उमर कुड पास दैट टेस्ट, उमर वो टेस्ट पास कर सकता था। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड हम, वो हमें बचा सकता था। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट निकालना है, किसी भी जुमले में जिस शख्स या चीज के मुतालिक बात हो रही हो वो शख्स या चीज जुमले का सब्जेक्ट कहलाता है। वो हमें बचा सकता था, फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं वो के बारे में, वो जो कोई भी है, तो वो हो गया इस जुमले का सब्जेक्ट। अब वो हमें बचा सकता था, इसका मतलब है कि वो कोई एक मर्द था, लिहाजा हम इसकी लफ्ज लगा देंगे ही, ही लगा दिया फ्रेंड हमने। ही के बाद अब फार्मूला कहता है कि आप लगाइए कुड, और हम दो सेंटेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं कि कुड जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम कुड को इस्तेमाल करते हैं, ही कुड, ही कुड। और उसके बाद फार्मूला कह रहा है अब आप लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में जिस लफ्ज से काम का करना या होना जाहिर हो वो लफ्ज वर्ब कहलाता है। वो हमें बचा सकता था, तो क्या काम कर सकता था वो, क्या एबिलिटी थी उसमें बचाने की? तो फ्रेंड्स बचाना हो गया इस सेंटेंस का वर्ब। बचाने की इंग्लिश होती है सेव, हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो सेव खुद असल में फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो हम लिख देंगे कि ही कुड सेव, वो बचा सकता था। और आखिर में फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जिस शख्स या चीज पर काम हो रहा हो, वर्ब का असर हो रहा हो, एक्शन का असर हो रहा हो, वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। वो हमें बचा सकता था, तो वो फ्रेंड वो बचाने का काम किस पर कर सकता था? हम पर, हमें बचा सकता था, तो चूंकि वो हमें बचा सकता था लिहाजा हम इस जुमले का ऑब्जेक्ट हो गए, लिहाजा हम हमें की इंग्लिश करके सेंटेंस के एंड में लिख देंगे, ही कुड सेव अस, वो हमें बचा सकता था। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने अपने सेंटेंस को इंग्लिश में
ट्रांसलेट कर दिया। और नेगेटिव करने का फ्रेंड्स वही आसान तरीका जो हम पिछले तमाम चैप्टर्स के अंदर तमाम सेंटेंसेस में सीखते हुए हैं कि अगर इसको नेगेटिव करना है कि अली नहीं तैर सकता था, तो किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के बाद आने वाले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से जुमला नेगेटिव हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो पहला हेल्पिंग वर्ब है हम उसके बाद नॉट लगाएंगे, जुमला नेगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट अली है और कुड पहला हेल्पिंग वर्ब है, हम इसके बाद फ्रेंड्स नॉट लगाते हैं, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। और अगर हम इसको सवाल बनाना चाहें तो किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव करने का तरीका हमने क्या सीखा है कि सब्जेक्ट मसलन इस सेंटेंस बनता है कि क्या उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, क्या उमर वो टेस्ट पास कर सकता था, सवाल कर दिया हमने। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो जब सब्जेक्ट के बाद आने वाला पहला हेल्पिंग वर्ब वहां से शिफ्ट हो जाता है सब्जेक्ट से पहले, तो सेंटेंस हो जाएगा इंटरोगेटिव। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, कुड को यहां से शिफ्ट कर देंगे, यहां शुरू में COULD कुड, यहां से ये खत्म हो जाएगा। और अब हमारा सेंटेंस फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हो गया कि कुड उमर पास दैट टेस्ट, कुड उमर पास दैट टेस्ट। और अगर कहीं लिख रहे हैं आप तो आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगा देंगे आप, कुड उमर पास दैट टेस्ट, क्या उमर वो टेस्ट पास कर सकता था। और अगर हम सवाल को सेंटेंस को इंटरोगेटिव भी करें और नेगेटिव भी करना चाहें, क्या वो हमें नहीं बचा सकता था, यानी क्या भी डाल दें इसमें और नहीं भी, तो फ्रेंड्स दोनों काम कर देंगे, कुड के बाद नॉट भी लगा देंगे और कुड को उठा के सब्जेक्ट से पहले भी ले आते हैं। यानी पहला काम हम क्या करते हैं कि कुड के बाद नॉट लगाते हैं चाहे नहीं का सेंस आ जाए, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट सेव अस, वो हमें नहीं बचा सकता था, नहीं का सेंस आ गया। अब हम क्या का सेंस देना चाह रहे हैं, तो इसी कुड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे हम, कुड यहां आ गया और यहां से खत्म। तो फ्रेंड्स अब हमारा सेंटेंस हो गया कुड ही नॉट सेव अस, क्या वो हमें नहीं बचा सकता था। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने जो है अपना सेंटेंस बनाना सीख लिया, और अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस सेंटेंस में हमने भी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम कहते हैं कि उसे इसे जमाने माजी में किसी काबिलियत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब ये कि कुड को पास्ट में एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये चांसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ये ऑफर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सिर्फ एबिलिटी इन पास्ट ही के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स भी का लफ्ज का मतलब यहां पर यह है कि हम इसे और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, विल, वुड, शल, शुड, ये जितने भी हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये तमाम के तमाम फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि ये एक जगह पे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि कई मकासद के लिए, हर हर मॉडल कई कई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जो यूसेज पढ़ेंगे वो आगे ब्रैकेट में हम लिखते जाएंगे। यानी कुड एबिलिटी इन पास्ट का मतलब हुआ कि हम कुड को यहां पढ़ रहे हैं एबिलिटी इन पास्ट के लिए, इसको और मकासद के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने खाली कुड को एबिलिटी इन पास्ट के लिए पढ़ा है, तो इसके जो दूसरे यूजेज हैं फ्रेंड्स, तो वो जो जो यूजेज होगा आप मुतालिका वीडियो को सर्च करेंगे YouTube पर और इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वहां पर उसका वो यूजेज समझेंगे। तो आज की वीडियो में हमने खाली समझा कि कुड को हम एबिलिटी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स दूसरी चीज ये कि मैंने आपको बताया था कि सकता था, सकती थी, ये अल्फाज जरूरी नहीं है कि पास्ट में एबिलिटी ही को शो कर रहे हो, कुछ और जगहों पर भी ये अल्फाज आते हैं। लिहाजा जब भी ये अल्फाज आए तो इसका ये मतलब तो होगा कि ये एबिलिटी इन पास्ट हो सकती है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। लिहाजा गौर करना आपको जरूरी है कि एबिलिटी ही की बात हो रही है, कोई और बात तो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर यहां पर आप सेंटेंस देखिए, हम मैच जीत सकते थे, मैच हारने के बाद में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं और आप में से एक शख्स कहता है कि हम मैच जीत सकते थे, यानी कि इम्कान की बात हो रही है कि इम्कान था, पॉसिबिलिटी थी, स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, हमारे बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे थे, इम्कान था, चांसेस थे कि हम जीत जाते, लेकिन क्या हुआ, बारिश हो गई और बारिश की वजह से मैच आगे जारी ना रह सका। तो फ्रेंड इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां पर सकते थे, ये अल्फाज तो आ गए यहां पर, लेकिन यहां पर ये एबिलिटी को नहीं शो कर रहे, बल्कि चांस पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। हम मैच जीत सकते थे यानी कि चांसेस थे, पॉसिबिलिटीज थी,
लेकिन बारिश हो गई और हम मैच नहीं जीत सके। तो फ्रेंड्स देखें, सकते थे आ गया, लेकिन बात इम्कान की हो रही है, एबिलिटी की नहीं हो रही। एक और मिसाल लीजिएगा, आप अंदर नहीं जा सकते थे, आप कहीं पर किसी से मिलने गए और आप सीधे ही ऑफिस के अंदर घुस गए, बाद में किसी ने आपको बाहर भेजा और आपसे कहा कि आप बाहर इंतजार कीजिए, और इस तरीके से बगैर इजाजत आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। अब आपके दोस्त आपको बता रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते थे, आपकी गलती है, यानी कि अंदर जाने की आपको इजाजत नहीं थी, बगैर इजाजत के उस ऑफिस के अंदर जाना मना होता है। तो जब आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो ये नहीं कहते कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि एबिलिटी तो थी, आप अंदर चले गए थे। आप कह भी सकते हैं कि नहीं भाई मैं जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, मैं चला तो गया था अंदर। तो वो आपकी एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये अल्फाज आ गए सकते थे, लेकिन ये यहां पर एबिलिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि इजाजत की बात हो रही है। आप अंदर नहीं जा सकते थे, यानी आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब यह हुआ कि जरूरी नहीं कि जहां पर सकता था, सकते थे, सकती थी, ये अल्फाज आ जाएं तो वहां पर एबिलिटी ही की बात हो रही होगी। हो सकता है कि वो एबिलिटी की बात हो सकता है कि वो इजाजत यानी परमिशन की बात हो सकता है कि वो इम्कान यानी पॉसिबिलिटी की बात हो, वो और भी कोई इस्तेमाल हो सकता है। लिहाजा फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने एक सेंटेंस आए जहां पर सकता, सकते, सकती, थे के साथ आ जाए, तो आप ध्यान में रखिएगा, चाहे प्रेजेंट की बात हो रही हो या पास्ट की बात हो रही हो, दोनों ही सूरतों में वहां पर बात एबिलिटी की भी हो सकती है, वहां पर बात पॉसिबिलिटी की भी हो सकती है, बात परमिशन की भी हो सकती है, ऑफर की भी हो सकती है, कई यूजेस हो सकते हैं फ्रेंड। लिहाजा आपको सिर्फ इस पहचान, ये मैंने थोड़ा आसानी के लिए दी हुई, सिर्फ इस पहचान पर आपने इक्तफा नहीं करना है, बल्कि आपने खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करके गौर करना है कि बात वाकई एबिलिटी की हो रही है यहां पर, या परमिशन की हो रही है, या पॉसिबिलिटी की हो रही है। तो फ्रेंड, जो बात हो रही होगी आपने उस सेंटेंस को उसी सेंस में लेना है और फिर उसी सेंस में उसका जवाब देना है। फ्रेंड, यहां तक आज का लेसन कंप्लीट हुआ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।